हेलो गाइस, वेलकम टू वायरलेस वर्ल्ड। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में DJI स्पार्क का ड्रोन है। ड्रोन के अंदर दिक्कत आ गई है एक, जिसको हम ठीक करेंगे। आप देख सकते हैं मैं ऑन कर रहा हूँ इसको, तो ऑन नहीं हो रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे हम इसको कैसे ठीक करते हैं। ड्रोन हमारा ऑन होते के साथ नीचे की चारों LED ब्लिंक करने लग जाएंगी। अभी हम आगे देखेंगे इसमें दिक्कत क्या है, उसके बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं। रिमोट कंट्रोल हमारा अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए, यहाँ आप स्क्रू ड्राइवर देख सकते हैं, स्क्रूज देख सकते हैं, तो हमने सेम साइज का लिया है यहाँ पे। चलिए ओपन करते हैं। अब इसको खोलते हैं दूसरे को। टोटल हमारे यहाँ पे अराउंड 6 स्क्रूज हैं। अभी हम देखते हैं, कंप्लीटली इनको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, टोटल हमारे 3 आउट हो चुके हैं। ये रह गया, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। मोस्ट यहीं पे अटका हुआ है। ये देखिए, अभी बाहर आ गया। अब हमें यहाँ पे स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, 2 स्क्रूज हैं। ये देखिए अंदर की तरफ, इनको भी हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा साइड करेंगे इसको और हम इसको अब ओपन कर लेंगे, ताकि हमारा जो टॉप का पैक है वो खुल जाए। ये देखिए, स्क्रू यहाँ का निकाल दिया मैंने। सेम इस तरफ एक और स्क्रू है, ये देखिए। अंधेरा अंदर इसलिए दिख नहीं रहा होगा आपको, ये रहा। ये आ गया हमारा बाहर। अब आप देख सकते हैं हमारे चारों खुल गए थे। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, हम इसका टॉप हेड खोलने की कोशिश करेंगे कि हमारा टॉप हेड खुल जाए, क्योंकि आपने देखा स्क्रूज तो हमने निकाल दिए हैं। ये देखिए, काफ़ी आराम से खोलना होगा इसे हमें, डेलिकेट वे में, ताकि कुछ भी ना टूटे अंदर का इसका। ये देखिए, लॉक खोलेंगे हम धीरे धीरे इसके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, ये देखिए, इस हेड को हम ओपन कर लेंगे। काफ़ी डेलिकेट है, धीरे से करना है। ये देखिए, आपके सामने है पूरा बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये अंदर से आप हमारा DJI ऐसा दिखता है, कूलिंग फ़ैन है इसका, BLDC, कैमरा हो गया, ये प्रोसेसर हो गया पूरा इसका, ये एंटीना की वायर्स हो गई, आप देख सकते हैं इधर, ये PCU हो गया इसका, ये एल्युमिनियम की प्लेट हो गई कूलिंग। चलिए अब इसको आगे देखते हैं हम क्या है इसके अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम इसको ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने इसका DC फैन हटा के देखा, BLDC मोटर का। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पत्ते टूटे हुए हैं। ये देखिए, पूरा टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, ये ठीक है। इसको हम रिपेयर करेंगे अभी, आप देख सकते हैं। रिपेयर करने के बाद हम ट्राई करेंगे कि ड्रोन हमारा पावर अप होता है नहीं होता है। चलिए टेस्ट करते हैं गाइस। हम लोगों ने आपको बताया था पहले कि हमारा ये वाला जो पत्ता है ये टूटा हुआ है, तो हमने इसको क्या फिक्स कर दिया अभी, आप देख सकते हैं। हम इसको अभी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं एक बार कि लाइटें इसकी ऑन होती हैं नहीं होती हैं। ये देखिए, इसको ऑन करते हैं हम अभी। ये रहा इसका स्विच, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, फैन ऑन हो गया हमारा, ड्रोन ऑन हो गया हमारा, आप देख सकते हैं।
अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं कंप्लीट, फिर इसको एक बार फ्लाई करने की कोशिश करेंगे कि ये उड़ पाता नहीं उड़ पाता है। अभी जो हमारी पहले एक प्रॉब्लम थी वो तो हमने सॉर्ट आउट कर ली है कि पावर कम्प्लीटली पहुँच नहीं रही थी हमारे बोर्ड पे, मदर बोर्ड पे, तो अब पावर कम्प्लीटली पहुँच रही है और बोर्ड भी हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए फटाफट हम अपने डीसी फैन को लगा देते हैं ताकि बोर्ड ज़्यादा गर्म ना हो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ये आपके सामने है कंप्लीट वीडियो, आप देख सकते हैं रिमोट हमारा कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन LED शो कर रहा है रिमोट, पहले रेड थी जब कनेक्ट नहीं था। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।